हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर शर्मा की एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन टू राइट ट्रायंगल्स वन साइड एंड एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर, प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। आपको यहां पर गिवन है टू राइट ट्रायंगल्स, यानी कि 90 डिग्री वाले दो ट्रायंगल। लेट से ये आपका 90 डिग्री एंगल है और पहला वाला ट्रायंगल है आपका ए, और यहां पर हम लिख देंगे ए बी सी, और ये वाला आपका हो जाएगा लेट से डी ई एफ। ठीक है, ये दो आपके राइट ट्रायंगल हो गए। इसमें क्या बोला गया है, वन साइड एंड एक्यूट एंगल, ठीक है, एक साइड और एक एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर। यानी कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले ट्रायंगल का एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है, लेट से ये आपका यहां पर बनता है एक्यूट एंगल, ये आपका दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, ओके, और एक आपका एंगल ये वाला है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री है दोनों का, ओके, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है आपके, और साथ में ये भी बोला गया है एक साइड भी बराबर है, तो लेट से ये आपकी साइड बराबर हो गई, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपका रूल जो यूज होने वाला है वो है ए ए एस, दैट मीन्स एंगल एंगल साइड। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो शुरुआत करते हैं, लेट से यू हैव टू ट्रायंगल्स, लेट ए बी सी एंड डी ई एफ बी टू राइट ट्रायंगल्स, ओके। तो यहां पर देखिए, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है, एंगल सी जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ओके। इसके बाद आप लिख सकते हो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, ओके, ये वाला एंगल, यानी कि दोनों के दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हैं। That means दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है एक साइड भी बराबर है, ठीक है, जो पहला वाला आपका ट्रायंगल है उसमें आपकी ए बी जो है वो दूसरे ट्रायंगल की डी ई के बराबर है, तो आप यहां पर लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो देखिए, यहां पर आपके दो एंगल बराबर हो चुके हैं और एक साइड इक्वल हो चुकी है, तो यहां पर एंगल और एंगल और साइड, तो इसका सिंपल सा मतलब है, आप देखिए यहां पर इस तरीके से एंगल एंगल, ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये आपकी साइड है, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स ए ए एस, दैट मीन्स ये वाला आपका रूल सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने यहां पर इस रूल की मदद से इनको प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, डीईएफ के, ओके, ट्रायंगल डीईएफ के, तो आपको यही प्रूव करना था, ओके। देखिए, सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था। देखो, यहां पर आपको बोला गया था कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो दैट मीन्स एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद वन साइड आपको गिवन थी, तो हमने ए बी और डी को इक्वल कर दिया। उसके बाद आपको एक एक्यूट एंगल भी बराबर गिवन था दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस, शो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोला गया है। देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाया हुआ है, और इस एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, दैट मींस जो ए ई है, ठीक है, ए ई जो है वो आपका
एंगल बाइसेक्टर है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपका ए ई है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल ये पूरा बनता है, इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। और दूसरी बात आपको यहां पर ये बोली गई है कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है ए ई, ये पैरेलल है बेस के, ओके, बी सी के पैरेलल है, तो आप यहां पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि ये आपका ए ई जो है वो आपका पैरेलल है बी सी के, ओके। अब यहां पर आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, टू साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, है ना, तो टू साइड्स आपको इक्वल करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो भी आपको गिवन होता है आप उसको सबसे पहले नोट कर लें, जिस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया है ये भी आपको गिवन था। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है जब भी दो पैरेलल लाइन होती है तो वहां पर उनके बीच में जब लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेट्स से ये आपका ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, और ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो इस तरीके से इन सभी एंगल्स को आपको याद रखना है। तो देखिए इस कंसेप्ट को आपको यहां पर अप्लाई करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो आपको यहां पर गिवन है कि आपका डी ए ई जो एंगल है वो आपका किसके बराबर है, ई ए सी के। देखिए डी ए ई आपका बराबर है ई ए सी के, क्यों, क्योंकि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्या बोल सकते हैं, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, थोड़ा ध्यान दें, एंगल ई ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, लेट्स से मैं यहां पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इस तरीके से, अब देखिए ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होता है अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और इसी कंसेप्ट को हमने यहां पर अप्लाई किया है ना, ये आपकी लाइन जो है इसके पैरेलल है बीसी के, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो ये बन जाते हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद आप बोल सकते हो एंगल डी ए ई, डी ए ई किसके बराबर होगा, देखिए एंगल ए बी सी के, ठीक है, डी ए ई, दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका बराबर होगा ए बी सी के, ठीक है, क्यों होगा, जब आपकी दो पैरेलल लाइन होती हैं, अब इस तरीके से देखिए, तो ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होता है, ठीक है, इसी कंसेप्ट को मैंने अब यहां पर अप्लाई किया है, ये बनते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये आपका बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ये फॉर्म करते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो बच्चों हमारा यहां पर मेन गोल था कि इस ट्रायंगल को एबीसी को आइसोसेलस प्रूव करना है, और आइसोसेलस प्रूव करने के लिए दो साइड को आपको इक्वल दिखाना था, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, टू एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये टू साइड्स भी आपकी बराबर होंगी, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस अगर आपकी साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना, यही पढ़ा था, लेकिन उसका उल्टा भी बिल्कुल सही होता है। इसका सिंपल सा मतलब है अगर आपके एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट में जो दो साइड हैं ट्रायंगल के अंदर वो भी बराबर होती हैं। तो देखिए जो आपका एंगल बी है और एंगल सी है, तो एंगल बी का क्या मतलब है, एंगल बी का मतलब है एंगल ए बी सी, और एंगल सी का क्या मतलब है, एंगल ए सी बी, और एंगल ए सी बी जो है वो आपका ई ए सी के बराबर है, और एंगल एबीसी जो है वो डी ए ई के बराबर है, और ये दोनों एंगल आपके एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों के दोनों एंगल आपके
आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लेट से कि ये आपका इक्वेशन वन था और ये आपका इक्वेशन टू और ये आपका इक्वेशन थ्री, देन यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री यू कैन से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसका जो रीजन है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां पर हमने कह दिया कि दोनों एंगल आपके बराबर हैं, तो अब आप बोल सकते हो आपका जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा। दैट मीन्स आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, आपको सिंपली यहां पर समझना है चीजों को, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके बाद हमने यहां पर जो पैरेलल आपकी लाइंस है उसके बाद एंगल्स को अप्लाई किया है, एंगल्स यहां पर हमने इक्वल करके और इक्वेशन बना के और सिंपली यहां पर इक्वल कर दिया है, और जैसे ही इक्वल होते हैं उसके बाद साइड्स को भी हमने बोल दिया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले जो तीसरा वर्ड है उसमें बोला गया है आपके पास एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, लेट से ये आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल है ए बी सी। आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या मतलब है, टू साइड्स विल बी इक्वल, और जैसे ही आपकी टू साइड्स इक्वल होती हैं दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे। तो आप यहां पर लिख लें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। इसके बाद एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है, ये आपको गिवन है, ओके। इसके बाद बोला है इफ द वर्टेक्स एंगल, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स एंगल है, इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, और एंगल बी और एंगल सी आपका बेस एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों आपके ये बेस एंगल्स हैं। कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर इन सभी एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को आप एक्स मान लें, लेट कर लें, ठीक है, एक्स माने या फिर वाई माने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने मान लिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपको यहां पर गिवन है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है इसको इक्वेशन की फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर लें। आपको बोला गया है एंगल ए, ठीक है, एंगल ए जो है वो आपका इज ट्वाइस, दैट मीन्स दोगुना, ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, एंगल बी प्लस एंगल सी का क्या है, सम है, ठीक है। और एंगल बी और एंगल सी को हमने क्या लिखा है, अभी हम लिख लेते हैं एंगल बी और एंगल सी, लेकिन हमने यहां पर लेट कर लिया था कि एंगल बी और एंगल सी क्या है आपका एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, और ये आपका हो जाएगा टू एक्स, दैट मीन्स दिस विल बिकम फोर एक्स। तो एंगल ए का वैल्यू आपके पास आ गया फोर एक्स, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और उसी को हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी यू कैन यूज एंगल सम रूल, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, दिस इज फाइन। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए एंगल ए का वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या है, 4x, और देखिए x की फॉर्म में ही आपको लिखना है, तो एंगल बी और एंगल सी को हमने क्या माना था, x डिग्री, ठीक है, तो आप x ही यहां पर लिख लीजिए। इससे होगा क्या, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपके पास x का वैल्यू आता है दैट मीन्स एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा,
और उसके बाद एंगल ए का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपको 4 इंटू एक्स करना है, क्योंकि एंगल ए का वैल्यू हमने क्या निकाला है अभी, 4x। ओके, तो इसको आप यहां पर सॉल्व कर ले, ये आपका आ जाएगा 6x। ओके, 180 डिग्री, एक्स का वैल्यू होगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, ये x था। ओके, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू भी 30 डिग्री, और ये आपका 4 गुना है। तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंगल ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 इंटू एक्स, दैट मीन्स 4 इंटू 30, ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री, है ना। यही तो होगा, आप टोटल काउंट कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, 120 प्लस 30 प्लस 30, दैट मीन्स 180 डिग्री। और यही तो होता है किसी भी ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और यही आपको निकालना था, कैलकुलेट दी एंगल्स ऑफ दी ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमने एंगल बी और एंगल सी निकाल लिया, और एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है,